पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों में भी इजाफा होने लगा है, जिसका बोझ पब्लिक पर पड़ सकता है। वैसे पिछले 8 महीनों में सीएनजी के दाम करीब 16 रुपए बढ़े थे, लेकिन 1 अप्रैल के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वैट घटाने से कुछ फायदा होगा। राज्य सरकार ने सीएनजी वैट 13.5% से घटाकर 3% कर दिया है, लेकिन उसके अगले ही दिन एक बार और सीएनजी के दामों में वृद्धि हुई। इस हलचल के बाद अब ऑटो टैक्सी यूनियन ने किराए में वृद्धि की मांग की है। शुक्रवार को यूनियन वाले अपने क्षेत्र के संबंधित आरटीओ में गए और किराए के नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेट दिया। यूनियन ने काली पीली टैक्सी के न्यूनतम किराए को 30 करने की मांग की है, जो अभी 25 है, और इसी तरह ऑटो वालों में न्यूनतम किराया 23 करने की मांग की है, जो अभी 21 है। न्यूनतम किराए के बाद प्रति किलोमीटर करीब 2 रुपए बढ़ाने की मांग की गई है। इससे पहले टैक्सी यूनियन ने गुरुवार को राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह को काली पीली टैक्सी के किराए में वृद्धि की मांग करते हुए पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि पिछले 1 साल में सीएनजी के दामों में 35% की वृद्धि हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।